प्रधानमंत्री मोदी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर जितने भी मंच पर लोग मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, इस वक्त मंच पर हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री और साथ में मुख्यमंत्री भी हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पहुंच गए हैं। एक घंटे का कार्यक्रम है और एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए आते हैं। खास तौर पर जो 8 जिले हैं जिसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर का कुछ इलाका, ये ऐसे 8 जिले हैं जिनको आज सरयू नहर रांची परियोजना की सौगात मिलने जा रही है। लगभग 21 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये परियोजना लगभग 1980 में शुरू हुई थी लेकिन लगातार इस परियोजना में डिले होता गया जिसके चलते किसानों को जो सिंचाई की क्षेत्र में राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत अब तक नहीं मिल पाई। और अब 2021 में जाकर ये परियोजना पूरी हुई है। इस परियोजना को लेकर सियासत भी होती रही। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके बीजेपी सरकार को घेरा है कि उनकी सरकार में ये परियोजना तेजी से काम शुरू हुआ था, उसे पूरा करने में राज्य सरकार ने 5 साल लगा दिए और चुनावों से एन पहले अब जाकर परियोजना पूरी कंप्लीट हो पाई है। हालांकि 2012 में से राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था लेकिन भूमि अधिग्रहण नियमों के चलते 1980 से लेकर अब तक इसमें लगातार देरी हुई लेकिन अब इस परियोजना की सौगात मिलने से जो कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे, यहाँ पे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किसानों की मदद के लिहाज से ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। और आज अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस परियोजना को आम जनता को समर्पित करेंगे। जी बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम हम देख पा रहे हैं अभी मंच से और यहाँ पर जैसा कि आप बता रहे हैं 1 घंटे का ये कार्यक्रम है, किस तरह के लाभ की उम्मीद की जा रही है इस परियोजना से? क्योंकि 9 जिलों की बात कही जा रही है, कितनी बड़ी आबादी और खासकर किसान वर्ग कितना इससे ज्यादा लाभान्वित होने वाला है, क्या इसके बारे में अभी तक जानकारी दी जा रही है? राज्य सरकार किसानों के लिए कृषि के लिहाज से बड़े बड़े कदम उठा रही है। उस कवायद के लिहाज से देखिए तो बहुत बड़ी राहत इस इलाके की जनता के लिए है कि किसानों के साथ सिंचाई का बड़ा संकट रहता है। ये सरयू जो परियोजना है इसमें 8 नदियों के पानी को जोड़कर एक ऐसा उसे विस्तार रूप दिया गया है जिससे 21 से लेकर 30 लाख तक किसानों को फायदा पहुंचे। इसमें सरयू नदी है, राप्ती है, घाघरा है और इसके जो लिंक नदियां हैं वो सभी नदियों को जोड़ा गया है। लगभग 8 नदियों को मिलाकर एक ऐसी परियोजना डेवलप की गई है जो 9 जिलों तक विस्तार करेगी और 9 जिलों के लोगों को सिंचाई परियोजना का फायदा मिल सकेगा। क्योंकि खेती में खाद के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है वो पानी की जरूरत होती है और ये पानी के लिहाज से बड़ी परियोजना मानी जा रही है जिससे किसानों को सिंचाई के नए साधन मिल सकेंगे। ठीक है। और एक और बात कही जा रही है कुछ इस योजना के फायदे के बारे में और वो कहा जा रहा है क्योंकि घाघरा का जो आसपास का इलाका है, बहराइच बलरामपुर का, वहां बारिश के दिनों में जो बाढ़ अक्सर देखने को मिलती थी उससे भी इस परियोजना के बनने के बाद निजात मिल सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।